देख सकते हो कि मैंने पकौड़ी तल के रख दिया है और कढ़ी जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, ये भंडारी स्टाइल का बनाऊंगी। तो ये देखो मैंने इसमें बेसन लिया है, मतलब एक कटोरी के लगभग बेसन होगा। उससे आपको दोगुना आपको दही लेना है और इसको अच्छे से, इसमें मैंने पानी भी डाला है, और इसको एकदम पतला सा घोल बना लेना है एकदम अच्छे से। अरे ऐसा पकड़ो बेटा, जल्दी लाओ लाओ, बेसन तो एकदम पतला बना है। तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे ताकि ये जो घोल है ना, और इसका जो ये जो हो जाते हैं गोल गोल गिल्टी टाइप का, इसको नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से इसको आपको फेंट लेना है एकदम से, ताकि इसमें गिल्टी ना रहे। दिखाते हैं क्योंकि मैं ही वीडियो भी बना रही हूँ, मैं ही लंच भी बना रही हूँ, सब कुछ मुझे ही करना होता है तो वो नहीं पाता है, तो इसीलिए। तो ये देख सकते हो इसको अच्छे से फेटेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इतना टेस्टी बनता है भंडारे वाला, और बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी हमारे यहाँ भंडारा हुआ था ट्यूसडे को, इस पे बड़े मंगल पे, इतना टेस्टी लग रहा था। जैसे दो इसको बाद हाथ से बनाओ फेटेंगे ताकि ये जो मिक्स हो जाएगा बेसन अच्छे से, दही के साथ मिक्स करना है, तो इसको अच्छे से फेट ले। तो गाइस यहाँ पे आप, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और इसमें मैंने जीरा डाला है। जीरा का मैंने छौंक लगाया है क्योंकि मुझे मेथी नहीं पसंद है, आप चाहे तो इसमें मेथी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक तेज पत्ता डालूंगी, और उसके बाद आपको लाल मिर्च जितना चाहे आपको डाल देना है, मतलब स्वाद अनुसार, ताकि तीखा मतलब थोड़ा सा हो जाए स्पाइसी टाइप का। और ये ऐसे, और इसमें मैं यहाँ पे डालूंगी करी पत्ता। तो गाइज देख सकते हो कि कैसा आपको बनाना है, देखो कितना पतला, मतलब ऐसे कि ताकि जो इसमें बेसन है ना वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, ताकि ये टेस्टी बने, मतलब गुलटी नहीं होनी चाहिए, वो तो ख़राब लगते हैं ना। तो ये देखो कितना मैंने ऐसे बनाया, देखो ऐसे गिराओ तो ऐसे एकदम कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको बना लेंगे, इधर मेरा पकौड़ी तैयार ही है। और उसके बाद मैंने देखो लाल मिर्च, तेज पत्ता और जीरा डाला। आप इसमें हींग डाल सकते हैं, हींग जो मुझे नहीं पसंद है। उसके बाद मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता डालूंगी, ये धुला समय है पानी से इसलिए आवाज कर रहा है। तो ये मैंने डाल दिया करी पत्ता, इसको थोड़ा सा पका लेंगे ऐसे, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ही पकाएंगे। तो ये देखो ये पक गया है। यही पे तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे ऊपर बस कढ़ाई की मैं दिखाऊं, पकौड़ी भी आ, सब चीज आ रहा है। तो इसमें गाइस हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो भी मसाले हैं ना हमारे, तुम तो आई नहीं रही हो तो वो ना जले। सकते कि इसमें मैंने एक कटोरी पानी डाल दिया, ताकि ये जो है ना मैंने लाल मिर्च और ये करी पत्ता और तेज पत्ता, ताकि ये जो मैंने डाला है ये जले नहीं है और ये अच्छे से रहे। तो ये देख सकते हो मैंने इसमें पानी डाल दिया। उसके बाद जो आप मैंने घोल बना कर तैयार करके रखा है इसको डाल देना। मैं देख सकते हो कि मैंने इसमें ऐसे डाल दिया है। इसमें आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है, अभी हल्दी डालनी है तो मैं डालूंगी। तो ये मैंने हल्दी इसमें डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो गाइस ये देख सकते हो इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, आपको अपने स्वाद के अनुसार नमक डालना, कम ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें पानी डाल सकते हो, अगर कम हो जाएगा तो इसमें ज़्यादा नमक डाल सकते हो। तो ये मैंने कर लिया है, और ये जब तक बॉयल नहीं हो जाएगा, मतलब अच्छे से इसको फ्लेम को तेज कर देंगे, और जब ये बॉयल हो जाएगा तब आप इसमें जो पकौड़ी तैयार करके रखे हैं उसको डाल देंगे। तो गाइस देख सकते हो तो ऐसे अब बॉयल हो जाएगा अच्छे से, ऐसे बुलबुले टाइप के निकलने लगेंगे। तब आपको जितनी पकौड़ी आप तले हो ना, जैसे तो भंडारे वाले पकौड़ी जो होती है सिंपल होती है, उसमें प्याज नहीं डालते, और तो इसमें मैंने प्याज डाला है क्योंकि घर के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए आज है ऐसे भी थर्सडे, थर्सडे के दिन कढ़ी चावल बिल्कुल खाना चाहिए, एकदम बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। तो अधिकतर तो मैं भूल जाती हूँ। और इसके बाद आपको इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालना है, एक्चुअली मेरे पास है नहीं, फिनिश हो चुका है, तो इसलिए इसीलिए मतलब बहुत टेस्टी और तीखापन आता है। बस यही ऐसे ही बनाते हैं भंडारे वाले कढ़ी एंड चावल। तो और इसको ऐसे बॉयल हो जाएगा, इसमें पकौड़ी डाल देंगे, ये पक जाएगा। उसके बाद आपको फ्लेम को कर देनी है बंद ऐसे, और इसको ढक देंगे, और उसके बाद आपको कढ़ी एंड चावल
दोनों शेयर कर देना है सबके साथ। तो कैसा लगा आपको रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना यार। तो अब मैं कढ़ी मेरा बन चुका है, इसको मैं ढक देती हूँ। जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को रेसिपी, तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी भंडारे वाली? तो एक बार बनाकर ट्राई करके जरूर देख, बहुत ही टेस्टी लगेगा। बस इसमें अब मेरा एक मिस हो गया, क्योंकि मेरे पास अभी लाल मिर्च पाउडर नहीं है, उसको डालना होता है, तब जाके बहुत तीखा मतलब स्पाइसी टाइप का लगता है, बहुत ही टेस्टी। तो आपको डालना है दही, आपको जितना आप बेसन ले रहे हो उससे आपको दोगुना दही डालना है, अपन आएगा। तो ये सब मतलब ध्यान देना है उसमें। तो ये सब मैंने किया है, तो इसको ढक देंगे। अब मैं बनाऊंगी राइस, तो चलो राइस बनाते हैं। तो आज का लंच रूटीन यही था कि हमने सोचा था चलो आज कढ़ी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, कढ़ी एंड चावल। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।